दोस्तों जब फोन हैंग करने लगता है तो लोग अपने फोन में अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके फोन के अंदर ही कई ऐसे हिडन सेटिंग छिपे हुए हैं जिसे अगर आप बंद कर दें अपने फोन में तो तुरंत के तुरंत आपके फोन का जो हैंग प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगा और जिंदगी में दोबारा कभी आपका फोन हैंग नहीं करेगा। चाहे कितना भी पुराना फोन आपका क्यों ना हो, चाहे भले ही आपके फोन में 1 GB 2 GB रैम क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का फोन आपके पास रहेगा दोस्तों 101% जो हैंग प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। सिर्फ आपको कुछ हिडन सेटिंग को अपने फोन के अंदर बंद करना होगा। तो कौन से हिडन सेटिंग है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको उन सभी हिडन सेटिंग के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन में कर लेते हैं तो आपको अलग से कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन का जो हैंग प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपका फोन एकदम सुपर फास्ट चलने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन का जो मेन सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी सेटिंग बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब आइए दोस्तों मैं आपको सभी हिडन सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको आ जाना है। वैसे तो डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन किया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर आ जाना है, कुछ सेटिंग आपको यहां पर करना है, बाकी के जो कुछ सेटिंग है उसे आपको अलग जगह पे करना है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सा सेटिंग आपको करना है मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको यहां से स्क्रॉल डाउन करके इस प्रकार से नीचे आना है। यहां पर बहुत सारे सेटिंग है तो आपको ध्यान से सेटिंग को सर्च करना है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे पहले नंबर का जो सेटिंग है वो यहां पर मिल गया, ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन, आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये सेटिंग दोस्तों करता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर दोस्तों जैसा कि आपने नाम पढ़ लिया है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा ऑन, ये आपके मोबाइल डाटा को हमेशा ऑन रखता है जिसकी वजह से आपका फोन हैंग करता है। कैसे मैं समझा देता हूँ, आपने अपने फोन को बंद करके जेब में रख दिया है या फिर कहीं टेबल पे रख दिया है, ऐसे में दोस्तों आपको लगता है आपके फोन में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये आपके मोबाइल डाटा को हमेशा ऑन रखता है। फिर सभी एप्लीकेशन आपके मोबाइल डाटा के जरिए बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं कि जो आपके फोन का प्रोसेसर होता है वो एकदम स्लो पड़ जाता है, हैंग करने लग जाता है, समझ लो। तो उसकी वजह से दोस्तों आपका पूरा का पूरा फोन ही हैंग करना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको इस सेटिंग को क्या करना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये सभी के फोन में ऑन मिलता है। ठीक है, तो ये पहले नंबर का सेटिंग है जिसे आपको यहां से बंद कर देना है। इस सेटिंग को बंद करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, फोर्स 4X MSAA, आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये सेटिंग दोस्तों एक्चुअली वो लोग अपने फोन में ऑन करके रखते हैं जिनके फोन के अंदर कम GB का रैम होता है, इससे जो फोन है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों एक नुकसान ये भी होता है कि आपका जो फोन है वो हैंग करने लगता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके फोन के प्रोसेसर पर डबल प्रेशर आता है और जितना बोल सकते हो ना आपके फोन के प्रोसेसर में जान रहता है, पूरा लगाकर आपके फोन को एकदम मतलब कि हैवी यूज करने के लिए एकदम रेडी कर देता है। लेकिन दोस्तों उसी की वजह से आपका फोन जो है वो हैंग करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस सेटिंग को आपको यहाँ से बंद करना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आपको जरूरत है तभी आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए और जब जरूरत नहीं है तब आपको इस सेटिंग को बंद करके रखना है। हमेशा अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखेंगे तो आपका फोन दोस्तों हैंग करता ही रहेगा, समझ लो। तो ये दो सेटिंग आपको यहाँ पर करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पर तीसरे नंबर का आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, वो है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इस सेटिंग के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन कई लोग ना इस सेटिंग को लाइटली लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इसी से दोस्तों आपका फोन जो है बहुत ज़्यादा हैंग करता है। एक्चुअली होता क्या है, आप इसे अगर स्टैंडर्ड पर सेट कर देते हैं तो जितने भी एप्लीकेशन गेम या फिर जो भी आपके फोन के अंदर ब्राउजर वगैरह है वो सब दोस्तों बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा रन करेगा ना कि नया नया आपका फोन हैंग करने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन के साथ हुआ क्या। तो इसीलिए दोस्तों आपको इस सेटिंग को हमेशा
नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर सेट करके रखना है, ताकि बैकग्राउंड में भाई कोई भी प्रोसेस ना हो, कोई भी हो ही ना, ठीक है। कोई भी अगर प्रोसेस बैकग्राउंड में नहीं होगा तो लाइफ में दोबारा दोस्तों आपका फोन कभी भी हैंग नहीं करेगा, समझ लो। तो इस सेटिंग को आपको यहां पर कर लेना है। तो टोटल दोस्तों 3 सेटिंग आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर करना है, उसके बाद आपको यहां से बैक कर देना है। अब जो चौथे नंबर का सेटिंग है दोस्तों, वो करने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन कर लेना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अभी जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, इसके अंदर भी दोस्तों फोर्थ नंबर का एक इंपॉर्टेंट सेटिंग छिपा हुआ है, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, रिमूव एनिमेशन। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट सभी के फोन में बंद मिलेगा। अभी सेटिंग को दोस्तों आपको ऑन करना होगा। ये सेटिंग दोस्तों करता क्या है मैं बता देता हूं। जो भी आपके फोन में इधर उधर के फालतू के एनिमेशन लगे रहते हैं ना, जैसे कि आप होम पेज पर जाते हो, बैक करते हो, कोई ब्राउजर ओपन करते हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, कोई फोल्डर ओपन करते हो, तो अलग अलग एनिमेशन लगे रहते हैं, तो वो एनिमेशन को दोस्तों ये पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे आपका फोन एकदम सुपर फास्ट वर्क करने लग जाता है, समझ रहे हो। इसी वजह से दोस्तों ये जो सेटिंग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेटिंग को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोर्थ नंबर का सेटिंग है जो आपके फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा और आपके फोन को काफी ज्यादा फास्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको यहां से बैक करना है, मेन सेटिंग के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको फिफ्थ नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूं, जिसे करते ही आपका फोन दोस्तों पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट वर्क करने लगेगा। आप खुद देखेंगे आपके फोन में जितना भी हैंग प्रॉब्लम था वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो पांचवें नंबर का सेटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, मेन सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो एप्स करके एक सेटिंग होगा, इसे आपको ओपन करना है। मैनेज एप्स के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जिसे आपने दोस्तों डाउनलोड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, वन बाय वन करके आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। पूरा डाटा आपको क्लियर नहीं करना है, नहीं तो आपका जो अकाउंट वगैरह है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि लॉग आउट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो क्लियर कैश दिया हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। इतना आपको सभी एप्लीकेशन के साथ करना है, जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखा है, वो चाहे कोई गेम ही क्यों ना हो, ठीक है। गेम के अंदर भी आपको ये चीज़ करना है, इससे आपका अकाउंट डिलीट वगैरह नहीं होगा, ना आपका लॉग आउट होगा, ना कोई नुकसान होगा। बस इससे ये हो जाएगा दोस्तों, आपके फोन का जो स्पीड है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको सभी एप्लीकेशन के साथ कर लेना है, जितने एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर रखा है। इसमें थोड़ा सा आपका समय लगेगा, लेकिन एक बार आप ये कर लेंगे तो आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा। तो ये टोटल 205 हिडन सेटिंग है, जिससे आप अपने फ़ोन का जो हैंग प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।